हाय गाइस, काफी दिनों से मेरे YouTube चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे हो गया था डेंगू। मेरी मम्मी को हो गया था डेंगू और मुझे हो गया था वायरल फीवर। उसके बाद मुझे हो गया था एंकल डिसलोकेशन। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद मैं अपनी कुक विद तनुजा में एक और वीडियो डालने वाली हूँ, जिसके अंदर आज मैं सरप्राइज मील बनाने वाली हूँ मम्मी पापा के लिए। आज अभी मैंने सोचा है कि मूली की चटनी, मूली और मूली के पत्तों की चटनी, तड़का दाल और करारी भिंडी, जीरा राइस, रोटी, ये सब बनाने वाली हूँ। तो अभी हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं सब्जी मंडी। आपको अब मिलते हैं डायरेक्ट सब्जी मंडी में। बाय। हाय गाइस, सब्जी ले ली है हमने, ली है एक 10 रुपये की क्या ये मूली और 20 रुपये का धनिया और 30 रुपये का टमाटर और 5 रुपये की मिर्च, 5 रुपये का नींबू और आई थिंक 30 रुपये की भिंडी। तो ये हमने सब्जियां ले ली है सब्जी मंडी से। और हम लोग सब्जी मंडी आए थे तो हमने सोचा हम मोमोज भी खाते चलते हैं, तो ये हम खा रहे हैं मोमोज और कोक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूली की चटनी बनाने से। तो उसके लिए हमें चाहिए मूली, तो ये हमें हाफ ही चाहिए, हमें इसको पील करके कट कर लेना है। और हमें चाहिए इसे कुछ पत्ते और हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, 2 हरी मिर्च डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, और हमें चाहिए थोड़ी सी अदरक। तो अभी हम सब ये सब काट लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। और हाँ, एक टमाटर भी चाहिए। तो अभी मैंने मिक्सी में डाल दिया है 1 टमाटर, 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक है। अरे सॉरी, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जिंजर और मूली के पत्ते, धनिया, और मूली को पील करके मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है क्योंकि इसमें होती है बहुत सारी मिट्टी। और मैंने मूली के पत्ते यही 5-6 पीस लिए हैं, तो इसको मैं वॉश करके और मिक्सर में ग्राइंड कर देती हूँ। चटनी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि हमें मूली के पत्ते और इन मेथी, इसको क्या बोलते हैं, पुदी मेथी, धनिया के पत्तों को बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो मैंने 4 से 5 बार ऑलरेडी वॉश कर लिया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। तो मैं इन्हें 10 मिनट से वॉश कर रही थी, और गंदे पत्तों को निकाल देना है और सारे पत्ते फ्रेश होने चाहिए, और इसे बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत सारे पानी में से वॉश करना है। और चटनी के अंदर हमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, मैं रॉक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। चटनी को कर लिया मैंने ग्राइंड, चटनी थोड़ी ज़्यादा बन गई है, शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, बट ये हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को दे सकते हैं पानी ज़्यादा डल जाए तो। मैंने और मेरे भाई ने चटनी को करके देखा टेस्ट, और चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, नॉट एग्जैजरेटिंग, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं भरमा भिंडी। भिंडी को मैंने हेड और टेल काट लिया है और इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, बट इसमें ये ट्रिक है कि आप इसको वॉश करते ही आप इसे ना काटें क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत सारा स्टिकी जूस, तो फिर आपको काटने में भी टफ होगा और ये फ्राई नहीं होगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसको अब मैं 5 से 10 मिनट सूखने दूंगी ताकि एकदम ड्राई हो जाए और फिर हम करेंगे इसको चॉप। जब तक हमारी भिंडी ड्राई हो रही है, हमने मूंग दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको सोक करने देंगे 20 मिनट तक। हम करी वाली मूंग दाल नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं ड्राई मूंग दाल मसाला। इसके लिए हमें चाहिए मूंग धुली, येलो दाल। मैंने कट कर लिया दाल फ्राई के लिए 1 बड़ा अनियन और 2 टमाटर, और अब हम लगाते हैं तड़का। चलो गाइस, अब लगाते हैं तड़का। तो इसके लिए हमें चाहिए देसी घी, हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं देसी घी यूज़ करूँगी। और उसमें हमें डालना है जीरा, जीरा के बाद डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्च, और फिर हमें डालना है प्याज। प्याज को तब तक भूनना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो कलर हो गया है चेंज, अब हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। और इसको भी 3 से 4 मिनट तक, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। हमने इसके अंदर दाल डाल दी है और 1/2 कप हमने पानी डाल दिया था। तो अभी हम इसको लो फ्लेम में 10 मिनट तक उबलने देंगे।
और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने भिंडी को काट लिया और एक भिंडी को काटना है चार पीसेस में, तो हमें बहुत पतले पतले भिंडी काटनी है। और अब हम इसे कंटेनर में डाल के अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारी कुरकुरी भिंडी के लिए बेस। अब हमें अपने भिंडी के अंदर डालना है बेसन, तो घर का बना हुआ बेसन है ये हम डालेंगे। हमें तब तक डालना है जब तक पूरी सारी भिंडी इसे अच्छे से कोट ना हो जाए। और इसके अंदर हमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हमें इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसको हम तेल मतलब सरसों के ऑयल में करेंगे फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना, टोस्ट करना है। और ये है हमारी कोटेड भिंडी। दाल बन चुकी है लेकिन वो खा भी चुके हैं सब लोग, और भिंडी भी बन चुकी है। ये ठंडी होने के बाद करारी हो जाएगी, तो अभी करारी हो गई है ये।